हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की पहले चैप्टर की। तो जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि पीछे वाइट बोर्ड पे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखी गई है। वो टॉपिक क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, यानी दो चीजों की चर्चा हो रही है कि आखिर बल क्या होगा और बल आघूर्ण क्या होगा। तो ये ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और जहां भी कोई भी समझने के दौरान कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार पुराना वाला काम कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र E का हम लोगों ने निर्माण किया है, जो कि ब्लू मार्कर से, नीले वाले मार्कर से हमने एक समान विद्युत क्षेत्र E को दिखाया है, यानी जो नीली वाली लाइन है वो एक समान विद्युत क्षेत्र E को व्यक्त कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जो बातें क्लियर होती चलेंगी उसे लिखते चलेंगे। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है। क्या है? विद्युत क्षेत्र E है। इतनी बातें क्लियर है तो इतनी बातें लिख लेंगे। अब क्या है, देख रहे हैं कि इस एक किनारे माइनस क्यू आवेश है, एक किनारे प्लस क्यू आवेश है और बीच की दूरी 2L है। अरे तो हमने पता पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि जिस ऐसा निकाय जिसमें जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हो और बीच की दूरी 2L हो उसका नाम वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें क्या भैया बोलिए जरा सा, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है। बातें समझिए जरा सा, अब ध्यान दीजिएगा। AB रखा है, अब A पर माइनस क्यू आवेश है और B पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा। अब आप एक मिनट के लिए जरा सा समझिए। अब एक ही देखिए कि ये जो बिंदु B पर है इस पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और बिंदु A पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। विद्युत बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ जा रही है, इधर कोई धन आवेश होगा और इधर पर क्या होगा, कोई ऋण आवेश होगा। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। आगे आप जरा सा समझिएगा अब क्या होता है। अब ये जो प्लस वाला आवेश है, ये जो प्लस वाला आवेश है इसको क्या करेगा, इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ इसे ठेलेगा। तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा F1 है, ये इधर की तरफ है। और ये माइनस वाला भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये दोनों मिलकर इसको एक ही दिशा में लगाएंगे बल, तो लगने वाले बल की दिशा F1 इधर हो गया। अब आते हैं माइनस क्यू आवेश। जो माइनस क्यू आवेश है वो इस पे, ये जो है माइनस क्यू आवेश को प्लस वाला क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये माइनस वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके द्वारा और इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा F2 एक इधर की तरफ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, F1 और F2 का मान एक समान होगा। क्यों? क्योंकि जितना आवेश ये है उतना आवेश ये भी है। तो जितना बल इस पे लगेगा उतना बल इस पे भी लगेगा। तो जितना बल लगा कि ये इधर घुमाने का प्रयास करेगा उतना बल लगा कि ये इधर प्रयास कर देगा। तो जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी सबसे पहली टॉपिक ये क्लियर हो जानी चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पे लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो आइए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है। क्या रखा है? AB रखा है। तो ठीक, अतः वैद्युत द्विध्रुव AB पर लगने वाला बल युग्म F बराबर मान लेते हैं F1 प्लस क्या हो गया F2। ठीक, लगने वाला बल युग्म क्या हो गया, F1 प्लस F2। तो जैसा कि हमने बताया F1 F2 के क्या है, बराबर है। F1 किसके बराबर है, F2 के।
तो F1 किसके बराबर है, F2 के, पर इनकी दिशाएं विपरीत है तो हम लोग क्या लगा देंगे, ऋणात्मक निशान का उपयोग कर देंगे। तो ऋणात्मक क्या बता रहा है, इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो अब क्या रख देंगे, F बराबर F1 के स्थान पर क्या रख देंगे, -F2, और ये आपका F2 प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। F बराबर क्या हो गया, 0, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म है वो क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, बल आघूर्ण की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, बल आघूर्ण, यानी दूसरी टॉपिक जिसे आप टाउ से बात करते हैं, बल आघूर्ण। चलिए तो दूसरी टॉपिक क्या है, बल आघूर्ण। तो ध्यान से समझिएगा, अब बल आघूर्ण की चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा है बल आघूर्ण बराबर होता है लगने वाला बल और बीच की लंबवत दूरी। तो ध्यान से समझिएगा, अब बीच की लंबवत दूरी, तो बीच की लंबवत दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो है इसके क्षैतिज वाले रेखा पे एक क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे, ये जो कि बिंदु सी पर क्या कर दी, ये बिंदु सी का नाम दे दी हमने, क्या कर दिया, एक लंब डाल दी। तो ध्यान से समझिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको बीच की जो लंबवत दूरी है वो कौन है, बीसी है। बीच की लंबवत दूरी कौन है, बीसी है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा डियर स्टूडेंट, बीच की लंबवत दूरी कौन है, बीसी। तो लिखेंगे, अब यहां टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक, बल आघूर्ण टाउ से व्यक्त करते हैं ना, तो बल आघूर्ण बराबर बल को हम लोग एफ से व्यक्त करते हैं, तो बल एफ गुणे बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीच की लंबवत दूरी कौन है, बी और सी, क्या है, बी और सी, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब टाउ बराबर, यानी अब हम लोग क्या करते हैं, इसे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू बी सी, समीकरण नंबर एक। अब चलते हैं हम लोग बीसी का मान निकालते हैं, तो बीसी का मान निकलेगा कैसे, आप बीसी क्या है, यहाँ लंब है, आपको क्या पता है, कर्ण पता है, लंब निकालना है, कर्ण पता है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज बीपीसी से, त्रिभुज पीबीसी से या बीपीसी से, त्रिभुज बीपीसी में साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण। अब आप देखिए जरा सा, वहां लंब कौन है, लंब है बीसी और कर्ण कौन है, एबी, तो बीसी बटे क्या हो गया, एबी, ये बात ये समझ में आई भी है, बीसी बटे क्या हो गया, एबी हो गया। अब साइन थीटा बराबर, अब बीसी कौन है, बीसी पता नहीं पर एबी पता है, एबी किसके बराबर है, 2l के बराबर, तो बीसी बराबर 2l, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा। तो समीकरण नंबर दो क्या करेंगे, समीकरण दो से बीसी का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण दो से बीसी का मान समीकरण एक में रखने पर, आइए समीकरण एक में रखते हैं, तो समीकरण एक क्या है, टाउ बराबर एफ इंटू बी सी, आप जानते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पे लगने वाला बल। अब मान रखेंगे तो यहाँ क्यू इंटू ई रखेंगे और बी सी का मान कितना है, 2l sin थीटा। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब जरा सा अगर हम लोग इसको व्यवस्थित करें तो क्यू इंटू 2l को एक तरफ करें, क्यू इंटू 2l को एक तरफ और ई साइन थीटा लिख लिए। आप जानते होंगे कि क्यू इंटू 2l किसके बराबर होता है, विद्युत आघूर्ण, ये पी के बराबर हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो इस प्रकार जो एक समान विद्युत ध्रुव पे
लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा। तो इस प्रकार इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं और उसी विशेष स्थिति से आपके कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाता है। पहली स्थिति क्या है, आप यहाँ विशेष स्थिति बनाएंगे, विशेष स्थिति ठीक, विशेष स्थिति में सबसे पहली स्थिति यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, जीरो, ध्यान से समझिएगा। अब जब थीटा जीरो हो जाएगा तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत विधुर, जब थीटा जीरो हो जाएगा तो जो वैद्युत विधुर है वो जो ए ऐसे है वो आपका ये ऐसे हो जाएगा, इससे जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब थीटा जीरो हो जाएगा तो एक समान विद्युत क्षेत्र की ये था, तो इसमें रखा जो विद्युत विधुर है, इसमें रखा जो विद्युत विधुर है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए एकदम ऐसे ठीक। तो इस पे माइनस क्यू है और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, ये ए और क्या हो गया, बी। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो विद्युत विधुर इस प्रकार का हो जाता है, यानी ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में हो जाता है। तब बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, तब बल आघूर्ण टाऊ बराबर पीई साइन थीटा। तो यहां तो थीटा क्या रखना है, जीरो, तो साइन थीटा के स्थान क्या रखेंगे, साइन जीरो, और साइन जीरो अंश का मान क्या होता है आप जानते होंगे, साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। तो जो बल आघूर्ण होगा टाउ इक्वल टू जीरो, यानी जब आपका थीटा जीरो होगा, जब वैद्युत विधुर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तब बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। इसे कहते हैं अस्थायी अवस्था, किसे, इसे क्या कहते हैं, अस्थायी अवस्था। चलिए अब दूसरी स्थिति रखते हैं, यदि थीटा क्या हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए, आपके 90 अंश हो जाए, सॉरी यदि थीटा 90 हो जाए, यदि थीटा क्या हो 90 अंश हो तब क्या होगा, आइए उसको भी देखते हैं। यानी आपका जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है वो हम लोग बनाते हैं, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, इस नीले वाले लाइन से एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें जो विद्युत विधुर रखा है ए बी वो क्या है 90 अंश, इसके इस पे 90 अंश का कोण बना रहा है, वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग किससे बनाया हो, रेड से, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू आवेश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, ये इस प्रकार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये आपका क्या हो जाएगा बी। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ क्या हो जाएगा 90 अंश का कोण बनाएगा, कितना 90 अंश का, आप देखना चाहो एक समान विद्युत क्षेत्र की यहां भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, ये देखिए कितने अंश का कोण बना रहे हैं 90 अंश के। तब बल आघूर्ण क्या होगा, तब बल आघूर्ण आपने टाउ इक्वल टू पढ़ा है पीई साइन थीटा, अब यहाँ थीटा कितना है 90, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई, और साइन 90 अंश का मान सबसे अधिकतम होता है, तो टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर क्या जाएगा पीई। तो यानी जब थीटा 90 होगा, यानी वैद्युत विधुर वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, तो लगने वाला बल आघूर्ण सबसे अधिकतम होगा। तो इस प्रकार आपकी जो स्थिति है वो कंप्लीट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थी वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर कमेंट नहीं करते तो हम लोग उम्मीद करते होंगे कि आपको लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, और लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।